हे गाइस, केकेआर के फैंस के लिए काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए कप्तान अनाउंस कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 से लगभग बाहर हो चुके हैं, एंड उनके एब्सेंस में कौन यहां पे केकेआर की कप्तानी संभालने वाला है। एंड ये इतनी चर्चे में इसलिए बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा मेन प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा है जो यहाँ पे कप्तानी कर सकता है। जहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे कि आंद्रे रसल को कप्तान बनाया जा सकता है, सुनील नारायण का नाम निकल के आ रहा था, रिंकू सिंह का नाम निकल के आ रहा था, एंड फाइनली केकेआर की टीम ने कप्तान अनाउंस कर दिया है। नीतीश राणा कप्तान होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल 2023 के लिए। एंड जो इंतजार था सभी केकेआर के फैंस के लिए, आखिर कौन कप्तान होने वाला है केकेआर का, तो यहाँ पे नीतीश राणा लीड करने वाले हैं केकेआर के टीम को। एंड एक स्टेटमेंट भी निकल के आया है जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो कर देने वाला हूँ, जहाँ पे यही लिखा है कि केकेआर की टीम ने अनाउंस कर दिया है कि नीतीश राणा कप्तान होने वाले इन द एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, जो यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं बैक इंजरी से। एंड वो होपफुल करते हैं कि श्रेयस जल्दी ही रिकवर हो जाए एंड उसी स्टेज में आईपीएल 2023 में खेलते हुए दिखे, यानी कि अभी भी पूरी तरह रूल आउट नहीं हुए। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मैनेजमेंट है वो अभी भी होपफुली है कि यहाँ पे कैसे भी करके वो जल्दी से जल्दी रिकवर करके जब भी रिकवर हो जाए एंड तभी से वो यहाँ पे केकेआर के कैंप को ज्वाइन करके जितने भी मैच बचे हुए हैं वो यहाँ पे खेले। तो यही स्टेटमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स का निकल के आ रहा है। एंड जो कप्तान है आईपीएल 2023 में केकेआर का, वो यहाँ पे नीतीश राणा है। आप कितने खुश हो कमेंट करके जरूर बताएगा, एंड क्या आप सेटिस्फाई हो कि नहीं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नीतीश राणा, मेरे हिसाब से अच्छा कप्तानी करते हुए दिख जाएंगे आईपीएल 2023 के लिए। एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को भी लाइक कर देना है। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।